हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। राशिफल 2022 डी नाम वाले लोग। आज हम आपको बताएंगे डी अक्षर से नाम वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2022। इसमें हम जानेंगे डी से नाम वाले लोगों का स्वभाव, शिक्षा, करियर, लव लाइफ और आर्थिक स्थिति के बारे में। ज्योतिष अनुसार हर नाम का कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है। आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है, इसका आपके जीवन में खास महत्व है। आपके नाम का पहला अक्षर आपके स्वभाव और व्यक्तित्व पर अपना प्रभाव डालते ही है, जिससे आपके स्वभाव का परिचय होता है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में नाम के पहले अक्षर के आधार पर जानेंगे कि आने वाले साल 2022 में डी से नाम वाले लोगों का स्वभाव, शिक्षा, करियर, लव लाइफ और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे डी से नाम वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। डी अक्षर से नाम वाले लोग दिल के बहुत सॉफ्ट और बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं। ये सबको साथ लेकर चलने पर यकीन रखते हैं, चाहे इनकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। ये लोगों के सुखों में ही नहीं बल्कि उनके दुखों में भी उनका मजबूत सहारा बनते हैं। इनकी लाइफ में प्यार और रिश्ते का खास महत्व होता है, इसी कारण ये रिश्ते निभाने में भी सबसे आगे होते हैं। काम के प्रति ये हमेशा ही सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। ये छोटी से छोटी चीजों के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पसंद नहीं करते। इनकी सबसे खास बात है कि ये किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। प्यार की बात करें तो प्यार के मामले में भी ये थोड़ा इमोशनल होते हैं और प्यार में जल्दी पड़ जाते हैं, लेकिन जब किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। ये अपने साथी को दिल की गहराइयों से चाहने वाले होते हैं। अब बात करेंगे डी से नाम वाले लोगों की शिक्षा व करियर के बारे में। राशिफल अनुसार शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए ये साल काफी अच्छा जाने की उम्मीद है। शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए साल के मध्य से लेकर आखिरी तक का समय कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। इस साल छात्रों का मन पढ़ाई में खूब लगेगा और छात्रों का बेहतर प्रदर्शन वाकई काबिले तारीफ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने की सोच रहे जातकों के लिए समय आशातीत सफलता का रहेगा। अगर आप अपने प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाएं तो आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। वहीं ये साल आपके करियर के लिहाज से आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। बस आप एक बात का ख्याल रखें कि दूसरों की बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने कामों पर फोकस करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सैलरी में इंक्रीमेंट की संभावना है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी इस वर्ष काम की अधिकता और बिजनेस में तरक्की के योग हैं। अब बात करेंगे डी से नाम वाले लोगों की लव लाइफ के बारे में। राशिफल अनुसार लव लाइफ की अगर बात करें तो ये साल बेहतर है। प्रेमी जोड़ों में गहरा प्रेम देखने को मिलेगा। कुछ जातक अपने प्रेम संबंधों को शादी की मंजिल तक पहुंचाने में सफल रहेंगे। हालांकि कोशिश करें कि प्रेम संबंध में विश्वास बनाए रखें। वैवाहिक जातकों के रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। जीवन साथी को भी इस वर्ष एक दूसरे के सहयोग से किसी तरह का लाभ होने की संभावना है। कुछ प्रेमी जोड़ों को इस वर्ष प्रेम विवाह की सौगात मिलने की संभावना है। परिवार के साथ प्यार भरे लम्हों को इस साल आप खुलकर जिएंगे। ये साल पारिवारिक और प्रेम स्तर पर अच्छे परिणाम लेकर आएगा। अब बात करेंगे डी से नाम वाले लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके अनुकूल है। साल की शुरुआत बेहतर रहेगी। कोई बड़ी डील इस वर्ष आपको मिल सकती है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी। हालांकि इस वर्ष किसी शुभ कार्य में धन खर्च के योग है, लेकिन धन खर्च के साथ आपकी आय के स्रोतों में भी वृद्धि की संभावना है, जिससे आप अधिक धन कमाने में सफल रहेंगे। करियर में आर्थिक लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। इस वर्ष आप धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।